यूक्रेन को सैन्य मदद को लेकर अपने घर के ही भीतर अमेरिका घिरा हुआ है। विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन के कई सांसद अब यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद में अड़ंगा लगा रहे हैं, और इस सब के बीच अमेरिका की पूर्व स्टेट सेक्रेटरी हिलरी क्लिंटन ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो बेहद खुश होंगे, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन पर कई सवाल और खड़े होंगे। दरअसल अमेरिका के पीबीएस टीवी को दिए एक बयान में हिलरी क्लिंटन ने कहा कि दुनिया भर में रूस के बढ़ते प्रभाव का श्रेय राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिया जाना चाहिए। हिलरी ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि पुतिन और उनकी टीम लोकतंत्र को कमजोर करने और राजनीतिक नेताओं को कमजोर करने के लिए गुप्त और सीधे तौर पर हस्तक्षेप करती है। ये इस बात का एक बड़ा हिस्सा है कि वो अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं। हिलरी क्लिंटन ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि इसलिए जब मैं लोगों को रूस की बातें दोहराते हुए देखती हूँ जो पहली बार रूसी टीवी चैनल रूस टुडे या रूसी अधिकारी के भाषण में दिखाई दी थी, तो ये पुतिन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं अमेरिकी संसद में यूक्रेन को सैन्य मदद को लेकर जो टकराव चल रहा है, इसको लेकर हिलरी ने कहा कि पुतिन इस बात से काफी रोमांचित हैं कि यूक्रेन को मदद के मामले में हम बटे हुए हैं, और हम किस स्तर तक यूक्रेन की मदद करें, उसे पैसा दें, और पुतिन इसी बात को और बढ़ावा दे रहे हैं कि हम यूक्रेन मुद्दे पर बट जाएं। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रशासन ने 10 अगस्त 2023 को यूक्रेन को आपातकालीन सैन्य मदद के रूप में 13 अरब डॉलर देने का आग्रह किया था, और कई अन्य राज्यों की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए 8.5 अरब डॉलर की रकम का अनुरोध किया था।